नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कन्नौज जिले में नशेड़ी पिता ने 13 साल की बेटी को पीटकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने घर में सो रहे बेटे को कमरे में ही बंद कर दिया था। किशोरी की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम ने भी छानबीन की। मुख्य गेट के पास गैलरी में एक रजाई मिली जिसमें दुष्कर्म के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने रजाई को कब्जे में ले लिया है। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने जमीन पर रजाई बिछाकर वारदात को अंजाम दिया था। कन्नौज से ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। ओली गांव का मामला है जहां एक 13 वर्षीय लड़की ने ये आरोप लगाया है कि उसके पिता ने बीती रात उसके साथ दुष्कर्म किया है। लड़की ने गांव वालों को तथा अपने मौसी को सूचना दी और वो थाने पर आई है। उसका तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और ये धारा 376 3/4 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत हुआ है। उसके पिता आरोपी है जो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।